अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, समरजीत सिंह जी, जीवाराम आर्या जी, पुखराज परासर जी, पराश्रम मेघवाल जी, हमारे कैंडिडेट्स सुखराम बिश्नोई जी, रतन देवासी जी, मंजू मेघवाल जी, सवाराम पटेल जी, लाला राम गर्सिया जी, कांग्रेस के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के हमारे लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत, नमस्कार। अभी जब सचिन पायलट जी बोल रहे थे तो यहां से रेल की आवाज आई थी, घड़ 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 करके रेल निकली थी। मोदी जी ने भाषण दिया था पार्लियामेंट हाउस में, बुलेट ट्रेन आएगी। बुलेट ट्रेन आएगी। हिंदुस्तान के रेलवे का बजट तकरीबन 1,20,000 करोड़ है। पूरे हिंदुस्तान में रेलें चलती हैं। साल का बजट तकरीबन 1,20,000 करोड़, 30,000 करोड़, ऐसे करोड़ों लोग घूमते हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाती है, दिल्ली से बंबई, तमिलनाडु से कर्नाटक, पूरे देश में रेलवे लाइन का जाल है। मोदी जी की जो बुलेट ट्रेन है, जो जो तकरीबन दिन में 1,000-2,000 लोग लगा लो, 3,000 लगा लो, 3,000 लोगों को बंबई ले जाएगी, उसकी कीमत 1,00,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान रेलवे का बजट 1,20,000 करोड़ रुपए, नरेंद्र मोदी जी की बुलेट ट्रेन 1,00,000 करोड़ रुपए। अब पता नहीं भैया बनेगी नहीं बनेगी, वो कारण है, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, मगर यहां पे जो रेल का फायदा हमारे युवाओं को, ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं इनको, जो आपके रिश्तेदार बाकी प्रदेशों में रहते हैं उनको तो फायदा नहीं मिलता, फायदा तो अदानी जी को मिलता है। इसको इंडियन रेलवेज कहा जाता है, इसका नाम बदल के अडानी रेलवेज कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ नहीं नहीं और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना, उसको अंबानी वायुसेना कर देना चाहिए। इधर इनका फायदा, दूसरी तरफ उनका फायदा। 126 हवाई जहाज खरीदने थे इंडियन एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को। मोदी जी जहां भी जाते हैं देश की रक्षा की बात करते हैं, वीरों की बात करते हैं, जैसे यहां बुलेट ट्रेन की बात की होगी वैसे वीरों की बात करते हैं, देशभक्ति। और जब एयरफोर्स को 126 हवाई जहाज चाहिए थे
यूपीए सरकार ने कहा देखो जो भी हवाई जहाज तुम्हें चाहिए जाके खरीदो, कम से कम दाम पे खरीदो, मगर हवाई जहाज भैया हिंदुस्तान में बनेगा, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, फ्रांस का हवाई जहाज हो मगर बनेगा हिंदुस्तान में, बनेगा राजस्थान में, बनेगा मध्य प्रदेश में, बनेगा कर्नाटक में, पेरिस फ्रांस में नहीं बनेगा। ₹526 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए एयरफोर्स ने डील करी, 126 हवाई जहाज, 526 करोड़ एक हवाई जहाज, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था, सब मंजूर हो गया, बेंगलोर में हवाई जहाज बनना था, शायद उसका एक यूनिट राजस्थान में लग सकता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, उनके साथ अनिल अंबानी जाता है, अरबपति है। अरबपति बना कैसे? हिंदुस्तान के बैंक का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है, वापस नहीं देता है। माताएं बहनों, आप याद रखो, आपको बैंक के सामने खड़ा किया था, कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आपने देखा होगा लाइन में ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, और बैंक के पीछे एसी कमरे में हिंदुस्तान के सब चोर, काले धन वाले अपना पैसा बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने काले धन को सफेद कर दिया, अनिल अंबानी, अदानी, इन सब का। खैर, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं फ्रांस, अनिल अंबानी जाता है उनके साथ, मोदी जी बैठते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, कहते हैं भैया देखो ये इंडियन एयरफोर्स की बात छोड़ो, हमें तो अंबानी एयरफोर्स बनानी है, ठीक है, 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 36 खरीदेंगे। अच्छा, वो एचएल कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसके परे करो, बनाएगा अनिल अंबानी। एक और बात, छोटी सी बात, 526 करोड़ जो है ना, बहुत कम पैसा है, इसको तुम 1600 करोड़ रुपए में खरीदो। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरे पास आया, उसने साफ बोल दिया 36 हवाई जहाज खरीदेंगे, 1600 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज अनिल अंबानी को देना है कॉन्ट्रैक्ट, अनिल अंबानी एयरफोर्स। और आपसे आगे कहते हैं चौकीदार बनूंगा, प्रधानमंत्री मत बनाओ मुझे, मुझे तो चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ कि मैं यहां पे रेलवे लाइन अदानी को दूं और वहां पे एयरफोर्स अंबानी को। 2 बजे रात को भैया, भाई और बहनों, 2 बजे रात को सीबीआई डायरेक्टर को उठा के हटा दिया। क्यों क्यों हटाया? क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर राफेल मामले पे, वायुसेना के हवाई जहाज के मामले पे इंक्वायरी कराने जा रहा था। सीबीआई इंक्वायरी हो जाती, 3 नाम नहीं निकलते, सिर्फ 2 निकलते, उसमें ना डिफेंस मिनिस्टर का नाम होता, ना सुषमा स्वराज जी का, परिकर जी का नाम नहीं होता उसमें, 2 नाम निकलते, नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। रात के 2 बजे घबराते हुए देश के चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को निकाल दिया। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, और जनता कहती थी आएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती आएंगे,
अब नारा है चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब ये बदलाव कैसे आया, ये हुआ क्या भैया, 4.5 साल में कैसे हो गया? अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चौरे पे कैसे पहुंच गए? ये किसने पहुंचाया, ये जो नारा नया निकला है ये किसने पहुंचाया? ये आपने किया है भाइयों और बहनों। कैसे किया? आप यहां बैठे हो, रोज रेल निकलती है, आप देखते हो, आवाज आती है, कहते भैया कांग्रेस पार्टी ने इसको ब्रॉडगेज किया, कांग्रेस पार्टी ने इसको ब्रॉडगेज किया, हमारे लिए ब्रॉडगेज किया था, युवाओं के लिए किया था, और ये पूरा का पूरा ब्रॉडगेज अदानी जी का फायदा पहुंचा रहा है। उधर एयरफोर्स के लोगों ने कहा भैया रक्षा हम करते हैं देश की, और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी उठा के ले गया, इसलिए नारा बदला है। आज नया नारा निकला है चौकीदार चोर। अच्छा, जालौर ग्रेनाइट की मंडी है सबसे बड़ी, है कि ना? ठीक है, 1300 यूनिट है ग्रेनाइट के, 1300 है ना? ठीक है भाइयों और बहनों, मुझे एक बात बताओ, ये जो काले धन वाली लड़ाई थी नोटबंदी वाली, इसने जालौर का कितने करोड़ों रुपए का नुकसान किया, कितने लोगों को इसने यहां पे बेरोजगार किया, लाखों लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे बैंक में खड़ा कर दिया, उनके जेब से पैसा निकाला, काले धन वालों को पैसा दिलवाया। नाम जानते हो आप? नीरव मोदी 35,000 करोड़ पहले के भाग गया, ललित मोदी 10 करोड़ रुपए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा 30,000 रुपए लेके भाग गया। आप देख रहे हो कि जो आपको मिलना चाहिए, आपके अस्पतालों में जाना चाहिए, आपके कॉलेजेस में, स्कूल में जाना चाहिए, आपको रोजगार दिलवाने के लिए जाना चाहिए, वो सब का सब अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, इनके नाम जा रहा है। अच्छा भैया एक और बात बताओ, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सब एक ही नाम है। जहां देखो कोई 10,000 करोड़ रुपए ले जाता है, कोई 35,000 करोड़ रुपए ले जाता है, तो कोई 30,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त को दे देता है, एक ही वैरायटी है ये। उसके बाद 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स आएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था जीएसटी आएगी, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं वो जीएसटी में नहीं होगा। मोदी जी आते हैं, 5 अलग अलग टैक्स लगा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, पूरा का पूरा फायदा उन्हीं 15-20 लोगों को, रेलवे लाइन उनकी, एयरफोर्स का हवाई जहाज उनका, बैंक के पैसे उनके, और जनता देखती जा रही है चौकीदार चोर है। अब राजस्थान की जनता ने मन बना लिया, अब भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सच्चाई की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी। 3,50,000 करोड़ रुपए, ये नंबर याद रखो, 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने माफ किया है। अब एक और बात याद रखो,
कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसान का कर्जा माफ कर देगी। भाइयों और बहनों, अब देखो, जितना वो उनका माफ करेंगे, जितनी वो उनकी मदद करेंगे, हम किसान की, युवाओं की, महिलाओं की, छोटे दुकानदार की मदद करेंगे। आ जाओ कंपटीशन में, तुम उनकी करो, तुम 15 लोगों का कर्जा माफ करो, हम करोड़ों किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तुम रेलवे लाइन उनकी बनाओ, हम युवाओं के लिए रेलवे लाइन बनाएंगे। यह फर्क है हम में और उनमें। सिंपल सी बात है, प्रदेश की सरकार को प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने भाषण दिया, विज्ञापन दिए। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर ने विज्ञापन स्कूल के बारे में कहती हैं, भरतपुर में एक शानदार स्कूल है, उसमें पीने का पानी है, पंखे हैं, फर्नीचर है, प्लेग्राउंड है, अध्यापक है। प्रेस के वाले आजकल डरे रहते हैं, मगर देखो घबराए हुए हैं, कम लिखते हैं। राफेल का मामला इन्होंने उठाया नहीं जैसे उठाना चाहिए था, डराया जाता है इनको। खैर, एक प्रेस वाला बलवान चला गया स्कूल में देखने। स्कूल में जाता है, पता लगता है जिस स्कूल की बात कर रही है चीफ मिनिस्टर जी, उसमें 4 साल से हैंडपंप खराब पड़ा है। पानी छोड़ो, 4 साल से हैंडपंप खराब पड़ा है, ना पंखा, ना टॉयलेट, ना टीचर, ना अध्यापक। और चीफ मिनिस्टर प्रदेश को कह रही है भैया बहुत अच्छा स्कूल है। दूसरी तरफ मोदी जी गए छत्तीसगढ़ के दौरे पे, टेलीविजन प्रोग्राम हुआ, मोदी जी ने किसानों से बात की। टीवी पे एक महिला आती है, कहती है मेरी आमदनी 4 साल में दुगनी हो गई, मोदी जी के आने बाद मेरी आमदनी दुगनी हो गई। वहां भी होशियार प्रेस वाले हैं, मोदी जी घर गए, प्रेस वाले उसके घर पहुंच गए, महिला के घर पहुंच गए, कहते भैया बताइए ये आपकी आमदनी दुगनी कैसे हो गई। महिला कहती है देखिए दिल्ली से लोग आए थे, हमें उन्होंने कह दिया कि कह देना, मैंने कह दिया। तो जहां भी जाते हैं भैया झूठ बोला जाता है। यह हमारी माताएं बहनें आई हैं, हर पेट्रोल पंप के पास लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। देखा होगा आपने, पोस्टर देखा होगा, देखा है ना, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव के बाद मुस्कुराहट चली जाएगी और थोड़ी देर बाद वो पोस्टर भी उतर जाएंगे। खैर, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हर माता बहन को हमने गैस सिलेंडर दिया। अच्छा, यहां माताएं बहनें बैठी हैं, कितने रुपए का मिलता है? 1000 रुपए। कांग्रेस पार्टी के समय कितने रुपए का मिलता था? 300। मतलब 700 रुपए आपकी जेब में से निकाले, आपसे केरोसिन छीन लिया और पोस्टर लगा दिया कि भैया महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर दे दिया। यह है मोदी जी के अच्छे दिन। जहां भी देखो किसान बीमा का पैसा देता है, ये बहुत अच्छा बोला आपने, जहां भी देखो किसान अपना बीमा का पैसा देता है। सूखा पड़ता है, आंधी आती है, तूफान आता है, नुकसान होता है,
किसान को बताया जाता है, भैया देखो आप ही का पैसा आपको नहीं लौटाया जाएगा। और पूरे देश में सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए डिस्ट्रिक्ट्स बांट रखे हैं, 6 स्टेट में अनिल अंबानी को दे रखा है कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट तेरा, ये तेरा, ये तेरा, अदानी को, अंबानी को, मालिया को, सबको दे रखे हैं। आप दो पैसा, आप मेहनत करो, 4 बजे उठो, और जब नुकसान होता है आपका तो सीधा अनिल अंबानी की जेब में पैसा जाता है। देखिए जब आजादी की लड़ाई हुई थी, हिंदुस्तान ने एक झंडा चुना था, हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक चाहिए। अगर एक झंडा होगा तो एक हिंदुस्तान होगा। मोदी जी दो हिंदुस्तान बनाने में लगे हुए हैं, एक तरफ अरबपतियों वाला, उसमें अनिल अंबानी, अदानी, मालिया, ये सब नाम है, प्राइवेट हवाई जहाज, बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले, लाल कालीन, जब वो कर्ज लेते हैं कर्ज वापस नहीं देते, उनको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसान कर्जा लेता है, किसान कर्जा वापस नहीं दे पाता है तो कहते हैं डिफॉल्टर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर को जेल में, उसको प्राइवेट हवाई जहाज में बैठा के लंदन। तो हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं, एक हिंदुस्तान है, उनका कर्जा माफ करोगे तो इनका कर्जा माफ करो, अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करना फिर उनका भी मत करो, सही बोला ना। तो हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं, यहां पे एक के बाद एक स्कैम हो रहा है। जैसे मैंने बोला, ललित मोदी ने 10 करोड़ रुपए वसुंधरा जी के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला, जहां जाते हैं मोदी जी अलग अलग भाषण करते हैं, पहले 3 बातें बोलते थे, सॉरी 4, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम और कर्जा माफ, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और आखिरी वाला, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। अब उनके भाषण सुन लीजिए, ना चौकीदारी की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना किसान की बात होती है, 15 लाख तो छोड़ो, मिल गया 15 लाख आपको, भैया कोई एक तो होगा, एक तो होगा जिसको मोदी जी ने 15 रुपए डाले हो बैंक अकाउंट में। तो जो भरोसा था, और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री किसने बनाया, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री युवाओं ने और हिंदुस्तान की जनता ने बनाया। अच्छा, मार्केटिंग उनकी अनिल अंबानी ने, अदानी ने की, जो आपने टीवी पे देखा नरेंद्र मोदी के भाषण पोस्टर, इसका पैसा उन लोगों ने दिया था, 1000 करोड़ रुपए। आप देख लीजिए, राजस्थान में चुनाव हो रहा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, आप देख लीजिए अखबारों में, देख लीजिए पोस्टर, देख लीजिए उनके ज्यादा है हमारे, 1000 करोड़ रुपए। वही लोग, अनिल अंबानी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग इनकी मदद कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े हो आप। और ये लड़ाई मैं बताता हूं आपको, ये लड़ाई आपके भविष्य की है, मेरे स्टेज से आपको झूठे वायदे नहीं सुनाई देंगे, आपको अच्छा लगे खराब, कभी कभी आपको लगेगा कि वो तो 15 लाख की बात करता है, राहुल गांधी 15 लाख की बात नहीं करता है,
मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, जो आपने मेरे स्टेज से सुन लिया वो हो जाएगा। और वही बात गहलोत जी की है, सचिन पायलट की है, हमारे नेताओं की है, यहां झूठ नहीं चलता। अगर हमने आपको बता दिया कि राजस्थान में मुफ्त में दवाई मिलेगी तो मुफ्त में दवाई मिलेगी। अगर हमने आपको बता दिया कि स्कूल और कॉलेजेस में आपका पैसा जाएगा और आपके बच्चे कम से कम पैसा देकर सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटी में लॉयर डॉक्टर बनेंगे, अगर हमने स्टेज से कह दिया तो हम करके दिखा देंगे, क्योंकि हम आप देखिए, हम जानते हैं समझते हैं कि आप होशियार हो, हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता आपके साथ प्यार का होना चाहिए, सच्चाई का होना चाहिए, झूठ का नहीं होना चाहिए। पंद्रह अगस्त लाल किले पे प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, कहते हैं मेरे आने से पहले देश सो रहा था। कमाल की बात है, कमाल की बात है। अंग्रेजों को भगाया, हरी क्रांति की, सफेद क्रांति की, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया और देश सो रहा था। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, ये काम तो आपके माता पिताओं ने किया है। ये काम हिंदुस्तान के किसानों ने, युवाओं ने, ये जो माताएं बहनें आई हैं, इन्होंने किया है। और हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है, मेरे आने से पहले आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी सब सो रहे थे। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सब कुछ मोदी ने किया। अंग्रेजों को भी नरेंद्र मोदी जी ने भगाया होगा। तो भैया, हम आपसे सीधी बात करना चाहते हैं, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। किसी ने आज सुबह कहा अंडर करंट है, अंडर करंट नहीं है भैया, तूफान है। और ये ऐसा तूफान आने वाला है, क्योंकि अब ये बात जनता के दिल में है कि हम अंबानी वाली, अदानी वाली सरकार नहीं चाहते हैं, हम किसानों को कर्जा माफ करने वाली सरकार चाहते हैं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने वाली सरकार चाहते हैं, हम युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार चलाना चाहते हैं, और वो काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। नियत पर होता है, आप नियत को देख के चलिए। यूपीए की सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ, मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदिवासी बिल, एक के बाद एक जो हमने किया गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए किया। दूसरी तरफ देखिए, बुलेट ट्रेन 1,00,000 करोड़ रुपए, 3-4 हजार लोगों के लिए, वो कभी नहीं बनने वाली है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आपके यहां पे पूरा जो आपका काम था, ग्रेनाइट का काम, पूरा नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। रोजगार देने की बात छोड़ो, रोजगार छीन लिया। तो ये सच्चाई है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखो आप सब बब्बर शेर हो,
यस, आप शेर हो और विचारधारा की लड़ाई है, वो तोड़ने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। देश नफरत से, क्रोध से, गुस्से से आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। ये देश सबका है। इसमें अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम लोगों को जोड़ने का है, प्यार का है। आप इनसे लड़िए, मगर प्यार से लड़िए। नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। और यह आपके दिल में है, आपके खून में है। कांग्रेस पार्टी का मतलब यह है कि देश को एक साथ मिलाकर आगे ले जाना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। इसीलिए हम किसान कर्जा माफी की बात करते हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं, यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप इतनी दूर दूर से आए हो, इतनी शक्ति है आप में, आप इस देश को बनाते हो। जो भी होता है इस देश में, व्यक्ति भोजन खाता है, हिंदुस्तान के किसान ने खिलाया। रेलवे लाइन बनी आपने बनाई, एयरपोर्ट बना आपने बनाया, सब कुछ आप करते हो। और दुख इस बात का है कि काम आप करते हो, पसीना आपका, और आपसे आपका भविष्य चोरी किया जाता है और रेलवे लाइन अदानी को दी जाती है। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।